आई एम पर्सनली अ ह्यूज फैन ऑफ विजू शाह। हिज यूनिक इलेक्ट्रॉनिक सॉन्ग्स ने 90s में तहलका मचा दिया था। At the same time, I'm a big fan of A.R. Rahman as well. He brought some unique, refreshing digital sounds in the same era. तो जाहिर है, एक ही time period में दो दिग्गज रहेंगे तो controversy तो होनी ही थी। So, क्या कंट्रोवर्सीज थे विजू शाह और एआर रहमान को लेके, आइए देखते हैं। वेलकम टू क्रिएटिव बिट्स। जब एआर रहमान बॉलीवुड म्यूजिक सीन में नए नए आए थे, तब विजू शाह के बारे में रूमर्स चले थे कि वो एआर रहमान के साउथ के कंपोजिशंस को कॉपी करके बॉलीवुड में रिसाइकल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सॉन्ग्स को कंपेयर करें जो 90s में एक साल ही आगे पीछे आए थे। इसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज हुए। दैट टाइम एआर रहमान वाज जस्ट गेनिंग हिज फुट इनटू बॉलीवुड। ये रूमर्स थे, बट विजू शाह इसकी वजह से थोड़े बैक सीट में हो गए, उनको मूवीज भी कम मिलने लग गए। इनफैक्ट विश्वात्मा के बाद मोहरा मूवी में प्रोड्यूसर गुलशन रॉय ने विजू शाह के बदले नदीम श्रवण को लेना चाहा, बट थैंक्स टू राजीव राय द डायरेक्टर, उनकी जिद के वजह से विजू शाह वाज बैक सेंटर स्टेज एंड मोहरा के सॉन्ग्स हिस्ट्री बन गए। We don't know how true these rumors were, but अगर पीछे मुड़ के देखे तो AR रहमान के काफी साउथ सॉन्ग्स अवेलेबल है एंड हिंदी में रीमेक्स भी हुए थे, बट डजंट लुक लाइक विजू शाह ने कुछ कॉपी किया था। हाँ जरूर, विजू शाह के कुछ सॉन्ग्स इंस्पायर हुए थे, लाइक चीज बड़ी है मस्त मस्त वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम नुसरत फतेह अली सॉन्ग एंड सम फ्रॉम एफ्रो एशियन ट्यून्स लाइक डीप फॉरेस्ट एज वेल, बट AR रहमान के कंपोजिशन से कॉपी तो कुछ नजर नहीं आया। दोनों के स्टाइल काफी डिफरेंट एंड यूनिक इन देयर ओन वे थे। हमें तो ये बेसलेस रूमर्स ही लगते हैं। आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।